हेलो एवरीवन, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन. ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन आपने चैप्टर प्लस वन में भी किया हुआ है, तो एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है हमारे पास. सबसे पहली बात अगर हम रिलेशन की करें, द वर्ड रिलेशन मीन्स दैट टू ऑब्जेक्ट और क्वान्टिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू सम कनेक्शन और थ्रू सम लिंक, वी कैन से. जैसे आपके पास अगर कोई सेट ए है, इसके अंदर आपके पास आ जाए कुछ भी नेम दे दो आप, राम, श्याम, सूरज, ये आपने नेम दे दिए. बी सेट और नेम दे दो आप, कृष्ण और कुछ भी नाम दे दो आप अपना, कृष्ण, अश्वनी, लाइक दिस. ठीक है, और एक और नाम लिख देते हैं यहाँ पे, जतिन. इस टाइप से हमने कुछ नाम लिख दिए. अगर हम रिलेशन के राम इज़ सन ऑफ कृष्ण, तो जो हमारे पास ये वर्ड आया इस सन ऑफ, तो ये क्या है, हमारे पास रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, मीन्स ए के एलिमेंट का बी से क्या रिलेशन है, तो इसको हम ए आर बी भी बोलेंगे. ठीक है, तो आपके पास रिलेशन होता क्या है, डेफिनेशन अगर हम देखें, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. नाउ व्हाट इज ए क्रॉस बी, हमने पढ़ा हुआ है ए क्रॉस बी क्या है, कार्टिजन प्रोडक्ट है ए एंड बी का. अभी कार्टिजन प्रोडक्ट आपको क्लियर करते हैं क्या होता है. आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हियर सेट ए कंसिस्ट एम एलिमेंट, और सेट बी में अगर एन एलिमेंट तो ए क्रॉस बी में क्या रहेंगे, एम एन ऑर्डर पेयर. नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होता है. कार्टिजन प्रोडक्ट हमने लास्ट ईयर भी किया हुआ है, ए के अगर आपके पास 1 2 3 है और बी में कोई भी आपके पास सेट है एक्स वाई एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में क्या रहेगा, 1x 1y 2x 2y 3x 3y, तो ये कार्टिजन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है. और ये सारे क्या है हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर है, और जिसमें फर्स्ट एलिमेंट किसको जा रहा है, ए को, और सेकेंड एलिमेंट किसका होता है, बी का. अगर हम बी क्रॉस ए की बात करें तो 1x की जगह कितना हो जाएगा, x1, लाइक दिस. तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. एंड सेकेंड थिंग इज़, इफ़ ए क्रॉस बी इज़ फाई, कब होगा फाई, इफ़ ए और बी और बोथ ऑफ ए एंड बी आर एम्प्टी सेट्स. ठीक है, और ये भी हमने किया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. लाइक हियर वी हैव, ए के अंदर अगर आपके पास 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो इनके कार्टिजन प्रोडक्ट एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट रहेंगे, 6. अब ऑर्डर्ड पेयर की बात मैंने की है, तो ऑर्डर्ड पेयर का भी एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर. इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू दिस कैपिटल बी, देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए कोमा बी विद दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर. हियर ए इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज कॉल्ड सेकेंड एलिमेंट. तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. ठीक है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे आ गया, तो ये तो आपस में क्लियर नहीं हुए ना. और अगर ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी इक्वल आए ऑर्डर्ड पेयर सी डी के, दिस इम्प्लाइज या तो ए और सी इक्वल होंगे और बी और डी इक्वल होंगे, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी. और बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, दिस इज़ ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज़ विद कर्ली ब्रैकेट आए तो वो सेट है, सी ब्रैकेट आए तो वो ऑर्डर्ड पेयर है. क्लियर है सबको, आगे देखते हैं रिलेशन. रिलेशन की अभी अभी हमने एक डेफिनेशन की है कि जो आर है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का. जो ए है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ आर, और बी को हम क्या बोलेंगे, को डोमेन ऑफ आर. यानी कि हमारे पास जो ए है वो डोमेन, ए के सारे एलिमेंट किस में आते हैं, डोमेन में, और बी के सारे एलिमेंट किस में जाते हैं, को डोमेन में जाते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस. ए सेट में वी हैव, सेट ए हैव एम एलिमेंट एंड बी के अंदर एन एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगा, 2^m. टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या रहेगा हमारे पास, 2^mn. ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन क्या है? सबसे पहला आइडेंटिटी रिलेशन है। सबसे पहले क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी रिलेशन। इफ़ अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ़ ए कोमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं इसका। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम इसका। इसका जैसे ए है आपके पास 1, 2, 4। आइडेंटिटी रिलेशन क्या रहेगा आपके पास? अगर आपके पास 1, 1, 2, 2 और 4, 4 अगर यहाँ पे सारा का सारा आर में है तो ये आपके पास क्या रहेगा? आइडेंटिटी रिलेशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर इक्वल है ए क्रॉस ए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ ए आपके पास है 1, 2 तो आर अगर आपके पास ये आ जाए 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1 इसके अलावा तो कोई और ऑर्डर पेयर नहीं आ सकता हमारे पास, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए है 1, 2, 3, 4, 5 और आपको रिलेशन दे दें कि ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड ए माइनस बी इक्वल है 10। क्या इसके किन्हीं भी दो एलिमेंट के अगर हम सब्ट्रैक्ट करें वो 10 के इक्वल आएगा? नो। सो दिस इज वॉइड रिलेशन। अगर कोई भी एलिमेंट हमारे रिलेशन में नहीं आता, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, देन दिस इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स रिलेशन। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन कैसे आप दिखाएंगे? अगर आर आपके पास ऑर्डर पेयर ए बी है तो आर इनवर्स क्या रहेगा आपके पास? बी ए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर आपके पास ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी ए किसको बिलोंग करेगा? आर इनवर्स को। फॉर एग्जांपल अगर आर आपके पास 1, 2, 3, 4 ये गिवन है तो आर इनवर्स आपके पास क्या रहेगा? 2, 1, 4, 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर और नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ए आर ए। ये हमने पहले भी किया है इस टाइप का। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए है 1, 2, 3 देन रिलेशन आर आपके पास अगर ये आ जाए 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 3 इसके अंदर आपके पास देखो 1, 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है, 2, 2 भी आर को बिलोंग कर रहा है और 3, 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है। ए आर ए आपको आर को बिलोंग कर जाए तो देन रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, और जो यूनिवर्सल रिलेशन है ऑन नॉन एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल रिलेशन वो हमेशा क्या रहेगा? रिफ्लेक्सिव रहेगा, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए इज सिमेट्रिक इफ ए आर बी, ए रिलेटेड टू बी implies B related to A. That is if A comma B belongs to R, then B comma A belongs to R. इसका सिमिट्री का कोई एग्जाम्पल देखते हैं। A है आपके पास 1, 2, 3 और रिलेशन अगर आपको ये दे दें 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2 तो आपके पास यहाँ से देखो अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर को तो 2, 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि ये सिमेट्रिक है। इफ़ 1, 3 बिलोंग्स टू आर देन 3, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर देन द रिलेशन इज सिमेट्रिक। मीन्स ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए, ये सिमेट्रिक रिलेशन है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। दैट इज इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ए आपके पास 1, 2, 3, 4 है
और आर कोई रिलेशन दे दिया आपको, 1 1 2 3 3 4 2 4, इस टाइप से आपको दे दिया 1 1 2 3 2 3 3 4 2 4। ठीक है, अब देखो 2,3 आपके आर को बिलोंग कर रहे हैं, 3,4 भी आर को बिलोंग कर रहे हैं, और यहाँ से आपके अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रिलेशन 2,4 भी अगर आर को बिलोंग कर गया तो ये क्या रहेगा आपके पास, ट्रांजिटिव रहेगा। ठीक है, ट्रांजिटिव की कंडीशन है 2,3 बिलोंग्स टू आर, 3,4 बिलोंग्स टू आर, देन 2,4 बिलोंग्स टू आर। ना नेक्स्ट इज एंटी सिमिटिक, ये सिमिटिक का ही केस है, बट इसके अंदर क्या है, इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए हो जाए और यहाँ पे आपके पास ए इक्वल टू बी भी आ जाए, उस केस में ए इक्वल टू बी नहीं था सिमिटिक जो हमने किया। एंटी सिमिटिक में इफ ए इक्वल टू बी आ जाए देन द रिलेशन इज कॉल्ड एंटी सिमिट्रिक रिलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज 1 2 3 4 5 6, आर है आपके पास ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर, बी इज डिविजिबल बाय ए। तो सबसे पहले तो आर बनाते हैं, हमारे पास आर क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मीन्स बी इज डिविजिबल बाय, देखो 1 इज डिविजिबल बाय 1 2 इज डिविजिबल बाय 1 3 इज डिविजिबल बाय 1, लाइक दिस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास, 2 2 2 4 2 6, नेक्स्ट इज 3 3 3 6, नेक्स्ट इज 4 4 5 5 और 6 6। ये आपने सबसे पहले तो रिलेशन बना दिया, अब आपने इसको चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, चेक करते हैं। देखो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सारे के सारे आर को बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स ये क्या है आपके पास, रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। इसको लिखेंगे कैसे, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ए इज डिविजिबल बाय ए, दैट इज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास सिमेट्रिक, अगर हम देखें 1,2 बिलोंग तो कर रहे हैं आर को, क्या 2,1 भी आर को बिलोंग कर रहे हैं, नो इट डजेंट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब अगर हम थर्ड केस देखें, थर्ड केस आप लोग देखिए क्या रहेगा, 1,3 3,6, ठीक है ये ले लेते हैं, 1,3 बिलोंग कर रहे हैं आर को, 3,6 भी आर को बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज 1,6 को भी आर को बिलोंग करना चाहिए, अरे वो भी बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या रहेगा हमारे पास, ट्रांजिटिव रहेगा। मीन्स ये जो हमारे पास रिलेशन है हमने चेक किया, रिफ्लेक्सिव भी था ट्रांजिटिव भी था बट सिमेट्रिक नहीं था, तो हमारे पास ऐसे हमने प्रूफ करना है। और एक और चीज़, अगर कोई रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों अगर हमारे पास इकट्ठे प्रूफ हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। पेपर में कई बार आता है चेक वेदर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट, तो उसके लिए आपने ये तीनों को चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। अगर इन तीनों में से, जैसे यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, सो अगर हमसे ये पूछे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस है, तो हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, सो इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब आपके पास एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप असाइनमेंट्स करना है इसकी। आपके पास है शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज ए कोमा बी ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। चेक करते हैं, अगर रियल नंबर कोई भी हम लें तो इसको क्या लिखेंगे, इसमें आपके पास ए इज लेस देन इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे हम इक्वालिटी को हम लें तो हर एक रियल नंबर अपने आप के इक्वल तो होगा, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अगर सिमेट्रिक की बात करें, सेकंड केस लें, अगर ए लेस देन इक्वल बी है, इट डजेंट इम्प्लाइज कि बी भी लेस देन इक्वल ए होगा, तो यानी कि ये केस हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी अगर आर को बिलोंग करेगा
तो बी कोमा ए डजेंट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। और ट्रांजिटिव अगर हमने इसको उन्होंने बोला है शो दैट इट इज़ शो करने को बोला है, तो हम इसमें ट्रांजिटिव का पॉजिटिव वाला केस लेंगे, ठीक है। लिखेंगे ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, बी कोमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, दैट इज़ अगर ए बी लेस देन इक्वल बी है और बी लेस देन इक्वल सी है, दिस इम्प्लाइज ए लेस देन इक्वल सी रहेगा वेयर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये क्या है आपके पास ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। इफ़ टू इज़ लेस देन फोर, फोर इज लेस देन एट, देन टू इज लेस देन एट, क्लियर है सबको। अब इसके ऊपर की असाइनमेंट्स आपको करनी है, ठीक है, ओके बच्चे।